फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स यदि आप BSES के कंज्यूमर हैं, यानी आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी का नाम BSES है और आप BSES के बिल में अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं या फिर ऐड करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा आज की वीडियो में यही समझेंगे। फ्रेंड्स 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको BSES के इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी चेंज करना या फिर अपडेट करना सिखाऊंगा। फ्रेंड्स ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और BSES के इलेक्ट्रिसिटी बिल में अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी अपडेट करना सीखते हैं। फ्रेंड्स हम BSES की वेबसाइट पे आ चुके हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे क्लिक करते ही आप इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है माई अकाउंट। माई अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा। यदि आप BSES की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है, यानी कि आपका CA नंबर BSES की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। और यदि आप रजिस्टर्ड नहीं है, यानी आपका CA नंबर BSES की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रखा है न्यू यूज़र साइन अप। इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, यानी अपने CA नंबर को हम रजिस्टर्ड करेंगे। मैंने न्यू यूज़र साइन अप पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ इस टाइप का फॉर्म खुल के आ गया है। इस फॉर्म में आपको कुछ डिटेल्स भरनी है, यानी अपना पर्टिकुलर्स भरना है। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे यदि है तो, और लास्ट नेम डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी है। देन अपना ईमेल आईडी यहाँ पे आप डाल देंगे, अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे यहाँ पे, और अपना आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करेंगे, कुछ भी बना सकते हैं आप, जो आपका दिल करे यूज़र नेम आप बना लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूज़र नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपने एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे दोबारा अपना पासवर्ड, सेम पासवर्ड जो आप ऊपर लिखेंगे वही यहाँ पे भी आप टाइप करेंगे अपना पासवर्ड। देन यहाँ पे आपको अपना CA नंबर लिखना पड़ेगा। CA नंबर आपको अपने BSES के बिल पे मिल जाएगा, यानी जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा वहाँ पे आपको CA नंबर उसमें मेंशन होगा, वहाँ से आप देख के अपना CA नंबर लिख लेंगे। मीटर नंबर भी वहीं पे मेंशन होगा, आपके बिजली के बिल पे ही मीटर नंबर मेंशन होगा। ये सारी डिटेल हम यहाँ पे भरेंगे। आप देख सकते हैं सारी डिटेल मैंने यहाँ पे भर ली। उसके बाद फाइनली यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद इसको सबमिट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, कैप्चा कोड डाल के आपको फाइनली इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करते के साथ ही आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा और आप BSES के अपने अकाउंट में एंटर कर जाएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम और आपका एड्रेस यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद किस टाइप का कनेक्शन है, कनेक्शन की कैटेगरी यहाँ पर लिखी आ रही है, डोमेस्टिक कनेक्शन। थोड़ा सा स्लाइड करके हम थोड़ा नीचे आते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका यूज़र नेम जो आपने जनरेट किया था, यानी जो आपने क्रिएट किया था, वो आपका यूज़र नेम यहाँ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी दिखाई देगा, जो आपका पहले से डाला हुआ है आपके बिजली के बिल में वो दिखाई देगा। देन यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपना दिखाई देगा। यदि आप अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मोबाइल लिखा है तो इस बॉक्स को टिक कर देंगे, ईमेल लिखा है तो इस बॉक्स को टिक कर देंगे। इस बॉक्स को टिक करते के साथ ही ये आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर वाला कॉलम जो है एक्टिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप इसको आप एडिट कर सकते हैं, ये एडिटेबल हो जाएगा। अभी तो फिलहाल आप इसको एडिट कर नहीं सकते जब तक आप इस बॉक्स को टिक नहीं करेंगे। तो इन दोनों बॉक्स को टिक करते के साथ ही ये दोनों बॉक्स जो है आपके एडिटेबल हो जाएंगे, इसको आप एडिट कर सकते हैं। यानी आप अपना कोई नया ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो नया ईमेल आईडी डाल दीजिए, नया मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो नया मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को टिक कर दिया, अब ये एडिटेबल हो गया है। और अपना नया ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद फाइनली आप इसको सिर्फ सबमिट कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इसको सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे और सबमिट कर देंगे। मैंने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया, थोड़ा सा वेट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ गया है, कंज्यूमर डिटेल्स हैज बीन अपडेटेड फॉर ईमेल एंड मोबाइल, यानी आपका ईमेल आईडी और मोबाइल जो है अपडेट हो गया है। बस फ्रेंड्स ये छोटा सा प्रोसेस था। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको BSES के इलेक्ट्रिसिटी बिल में यदि अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है या फिर अपनी ईमेल आईडी को अपडेट करना है तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।